हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है संभारते डिजिटल। दोस्तों फिर से लेकर मैं आया हूँ एक बेहतरीन वीडियो आपके लिए और आज का ये वीडियो फेसबुक के ऊपर है और आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा ऑफ फेसबुक एक्टिविटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ऑफ फेसबुक एक्टिविटी। हो सकता है आपने ये चीज पहली बार सुनी हो, लेकिन ये चीज आपके फेसबुक अकाउंट के लिए, सिक्योरिटी के लिए और उसके प्राइवेसी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आपका जो डेटा है, आपकी इंफॉर्मेशन है, वो सारी कंपनीज है वो एक्सचेंज करती है फेसबुक के साथ, और किस तरह से इस डेटा और इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके ये आप तक पहुंचते हैं एडवर्टीजमेंट के जरिए। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ, और अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। अभी दोस्तों मेरे स्क्रीन पर चलने से पहले मैं फटाफट आपको एक शॉर्ट ब्रीफ दे देता हूँ इस ऑफ फेसबुक एक्टिविटी के बारे में कि दरअसल ये है क्या और किस तरह से काम करता है। देखिए, आपने सैकड़ों वेबसाइट्स पे अपने अकाउंट्स बनाए होंगे, आपने सैकड़ों वेबसाइट्स को विजिट किया होगा, लॉगिन किया होगा। कई बार आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई नई साइट के साथ कनेक्ट करते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो वहां पर एक ऑप्शन होता है साइन अप विद फेसबुक या फिर साइन अप विद जीमेल का। तो ज्यादातर लोग यही प्रैक्टिस फॉलो करते हैं कि वो चाहते हैं कि सिर्फ एक क्लिक करके उसका अकाउंट उस वेबसाइट में क्रिएट हो जाए। हम नहीं चाहते कि हमारे लंबा लंबा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़े क्योंकि हम बहुत ही लेजी लोग हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम साइन अप विद फेसबुक कर देते या फिर साइन अप विद जीमेल कर देते ताकि हमारा अकाउंट है वो सिंगल क्लिक में क्रिएट हो जाए। लेकिन साथ में आपको ये नहीं मालूम दोस्तों कि आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो थर्ड पार्टी जो साइट से या फिर एप्लीकेशन से वो एक्सेस कर सकती है आपके फेसबुक या गूगल अकाउंट से। तो बस यही से आपका प्रॉब्लम शुरू होता है कि ये सारी कंपनीज है वो आपका ढेर सारा डेटा है वो इकट्ठा करती है और जरूरत पड़ने पर ये आगे दूसरी कंपनी को भी ये बेच सकती है बगैर आपकी जानकारी के, बगैर आपके कोई कंफर्मेशन के। तो आप भी सोचते होंगे कभी कभार अपने जीमेल को देखे कि इतने सारे मार्केटिंग के ईमेल्स आपको कैसे मिल जाते हैं, इस कंपनी वालों को आपका ईमेल कैसे मिल जाता है, इसका आपका नाम कैसे मिल जाता है। तो इसके पीछे यही फंडा है दोस्तों कि जब भी आप थर्ड पार्टी एप्स के साथ कुछ क्रिएट करते हैं अपना अकाउंट फेसबुक के जरिए, तो ये फेसबुक की आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, उसको वो एक्सेस करना चालू कर देते हैं। और कुछ एप्लीकेशंस तो आपका पोस्ट और आपका जो कंटेंट है वो भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि आप जो भी कोई रेगुलर पोस्ट डालते हैं, यानी कि कोई आप ट्रैवलिंग की पोस्ट डालते हैं कि आप कहीं चेकिंग किया आपने, आपका जो एक्टिविटीज होती है, ईटिंग होता है, ड्रिंकिंग, आप कहीं होटल में जाते हैं तो वो भी करते हैं, तो ये सारी चीज है वो इस कंपनी वालों को मालूम होती है और इसी का इस्तेमाल करके ये एडवर्टीजमेंट चलाते हैं और ये आप तक पहुंचते हैं दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑफ फेसबुक एक्टिविटी को कहां से एक्सेस कर सकते हैं, आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनी या थर्ड पार्टी एप्स है वो मेरा फेसबुक का डेटा एक्सेस कर रही है, और आप इसको बंद कैसे कर सकते हैं। अगर आप बंद करना चाहें तो बंद भी कर सकते हैं ताकि ये फेसबुक थर्ड पार्टी एप्स या टूल्स के साथ इसको इंटीग्रेट ना करे और आपकी इंफॉर्मेशन आगे स्प्रेड ना हो। तो चलिए चलते हैं मेरे स्क्रीन पर और आखिर तक जुड़े रहिएगा इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और हम पहुंच गए मेरे स्क्रीन में और मैंने फेसबुक अकाउंट में लॉगिन कर दिया है। तो सबसे पहले आपको भी अपने फेसबुक अकाउंट में लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद यहां पर राइट साइड आप देख सकते हैं अपने अकाउंट में सेटिंग एंड प्राइवेसी, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी के अंदर फिर से एक बार आपको सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन सेटिंग के अंदर आपको मिल जाएंगे। यहां पर आपको थर्ड ऑप्शन में जाना है, योर फेसबुक इंफॉर्मेशन, योर फेसबुक इंफॉर्मेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अगेन आपको और डेप्थ में ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे बहुत सारे, राइट। तो जिस चीज के लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया मैं सीधी उसी की बात करूंगा। तो आपको जाना है यहाँ पर ऑफ फेसबुक एक्टिविटी में, आप यहाँ नीचे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा ऑफ फेसबुक एक्टिविटी और यहाँ पर लिखा भी है व्यू और क्लियर एक्टिविटी फ्रॉम बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस दैट यू विजिट ऑफ फेसबुक, राइट। अब चलिए इसके अंदर चलते हैं हम, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दो पैराग्राफ दिए गए हैं इंट्रोडक्शन के, ये एग्जैक्टली ऑफ फेसबुक एक्टिविटी है क्या। तो अगर आप ये जानना चाहें डिटेल में तो आप ये चीज पढ़ सकते हैं। और इनका ये जो मेन ऑब्जेक्टिव है इन सारी कंपनीज का, ये सारा डेटा शेयर करने के लिए कि ये रीमार्केटिंग भी कर सकते हैं इसके ऊपर। मान लीजिए कि जो भी आपके पास कस्टमर है जिन्होंने आपकी वेबसाइट के ऊपर शॉपिंग किया हो, आप चाहे तो उनको फेसबुक के ऊपर एडवर्टीजमेंट के जरिए रीटारगेट कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपके पास कस्टमर है अगर आप उसको कुछ वाउचर या कुछ ऑफर्स देना चाहे तो उन्हीं लोगों तक ऐड पहुंच सकता है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर कुछ कस्टम ऑडियंस क्रिएट की होती है
और ये सारी चीज जो होती है वो थोड़ा टेक्निकल है, शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आप जो भी ई कॉमर्स पोर्टल के ऊपर एक्टिविटीज करते हैं वो कहीं ना कहीं बैकएंड में उसकी जानकारी फेसबुक तक पहुंच जाती है। ये मान लीजिए उस कंपनी और फेसबुक के बीच में एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, और ये टेक्निकल टूल्स होते हैं, बिजनेस टूल्स, जिसके जरिए ये सारी इंफॉर्मेशन है वो शेयर होती है। तो ये था ऑफ फेसबुक एक्टिविटी का बहुत सारा नॉलेज आपके लिए, और अब चलते हैं मेन चीज की तरफ, जो है कि कौन कौन सी जो एप्स है, कंपनीज है, वो फेसबुक के साथ कनेक्ट है और मेरा डेटा एक्सचेंज कर रही है। दोस्तों यहाँ पर आप कुछ आइकन्स देख सकते हैं अलग अलग एप्लीकेशंस के या वेब पोर्टल्स के, किसी के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर अंदर आपको डिटेल में लिस्ट खुलेगा। ओ माय गॉड, आप देख सकते हैं टोटल कितनी एप्स और वेबसाइट है वो मेरा डेटा शेयर कर रही है, मेरी एक्टिविटीज को शेयर कर रही है फेसबुक के साथ। दिस इज समरी ऑफ 627 एप्स एंड वेबसाइट दैट हैव शेयर्ड योर एक्टिविटी, यानी कि 627 जो है कंपनीज, यानी कि 627 मान लीजिए एप्स और वेबसाइट है वो मेरी एक्टिविटी को फेसबुक के साथ शेयर कर रही है। बहुत ही मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते दोस्तों, तो सिर्फ 627 है, कई कई केस में तो ये 1000 से भी ऊपर हो सकता है। तो आप देख सकते हैं बहुत डिटेल में यहाँ पर है वी, यूट्यूब, लिंक्डइन, सेल्सफोर्स, गोडेडी, ट्रूकॉलर, देखिए ट्रूकॉलर है वो भी शेयर करती है आपकी इंफॉर्मेशन, जो भी आपकी एक्टिविटीज है वो फेसबुक के साथ। शादी.com है, शॉपिफाई, फ्लिपकार्ट, लॉट्स ऑफ अपस्टॉक्स, यानी कि जिन जिन कंपनीज के साथ, यानी कि जो भी एप्स या वेबसाइट के साथ आपने पास्ट में कहीं कनेक्ट किया होगा, ये सारी की सारी एप्स और वेबसाइट है वो फेसबुक को आपकी इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर रही है दोस्तों। सो ये आप पता नहीं मैं क्या बोलूं, ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, क्योंकि इसमें प्राइवेसी जैसा आप कुछ नहीं बचता है। आप कितनी भी प्रोफाइल को अपना लॉक कर दीजिए, पासवर्ड चेंज कर दीजिए, कितनी भी आप प्राइवेसी सेट कर लीजिए फेसबुक में, बैकएंड में आपका अकाउंट बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है दोस्तों। मैं सिर्फ लॉगिन की है, पासवर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, आपका जो डेटा है उसकी बात कर रहा हूँ, कि आप जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो कहीं ना कहीं फेसबुक तक पहुंच ही जाती है और इन कंपनीज को भी पहुंच जाती है। और कुछ तो ऐसी वेबसाइट है जो मुझे भी याद नहीं है कि मैंने कब ये विजिट किया था या फिर कब मैंने इसको इंस्टॉल किया था एप्स को। बाकी दोस्तों ये बहुत ही क्रिटिकल चीज है, अगर आप जेन्युइनली अपने डेटा के लिए आप इनसिक्योर्ड है और अगर आप सीरियस है अपने डेटा को लेकर, तो ये सारी चीज का मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ, क्योंकि आप ये चीज तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप इतनी सारी 627 इतनी सारी हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस एंड वेबसाइट्स को आप अपनी एक्टिविटी का एक्सेस दे रहे हैं। और देखिए यहाँ पर आप किसी के ऊपर क्लिक करेंगे ना, मान लीजिए कि मान ये मैंने लिंक्डइन के ऊपर क्लिक किया, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं टोटल 1208 इंटरेक्शंस वर रिसीव्ड, यानी कि मैंने जो कुछ भी किया होगा लिंक्डइन को ओपन करने के बाद, जितनी भी एक्टिविटीज मैंने की होगी, चाहे कुछ सर्च किया, किसी की प्रोफाइल विजिट की, कोई मैंने पोस्ट किया, कुछ भी किया, सारी चीज यहाँ पर वो ट्रैक करते हैं और सारी इंफॉर्मेशन से वो फेसबुक तक पहुंचती है। यही चीज दूसरी किसी भी आप दे सकते हैं, शादी.com में देखिए 4 इंटरेक्शन है, तो ये सारी चीजें वो शादी.com प्लेटफॉर्म से लेकर ये फेसबुक के साथ दोनों के बीच में म्यूचुअल ये शेयर होती है दोस्तों। और भी बहुत सारी चीजें, तो आप पर्टिकुलर किसी एक के ऊपर क्लिक करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये कौन सी एक्टिविटीज है जो कि ट्रैक करती है और शेयर भी कर सकती है ये सारी कंपनियां। तो चलिए अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं हूं ना, अब मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूं इसका कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है और कैसे आप अपनी प्राइवेसी को खतरे में जाने से बचा सकते हैं दोस्तों। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आराम से ये वीडियो आगे देखें, क्योंकि अब मैं आपको मेन इसका सॉल्यूशन दिखाने वाला हूं कि आपको एग्जैक्टली इससे बचने के लिए क्या करना है। ठीक है, तो देखिए राइट साइड जो मैंने ऑप्शंस बताए थे यहाँ पर आपको जाना है मैनेज फ्यूचर एक्टिविटी में, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। राइट, फिर से एक बार क्लिक कर दीजिए मैनेज फ्यूचर एक्टिविटीज में। अब यहाँ पर ये जो बटन है दोस्तों, इसको आपको कर देना है ऑफ। यहाँ पर आपको वार्निंग आएगी, राइट, यानी कि कौन कौन सी चीज अफेक्ट हो सकती है आपके ऑफ करने पर। बट कोई बात नहीं, अगर आप जेन्युइनली अपने प्राइवेसी को लेकर आप इनसिक्योर है, आप उसके लिए केयर करते हैं, तो इसको टर्न ऑफ कर दीजिए दोस्तों। तो ये कर दिया हमने ऑफ फेसबुक एक्टिविटी को ऑफ। अब क्वेश्चन ये आता है कि इससे फर्क क्या पड़ेगा मुझे, क्या वाकई मेरा फेसबुक का एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा यूज करने का। तो दोस्तों थोड़ा सा इफेक्ट तो होगा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये चीज एक्चुअली क्या करता है कि आप जो भी आप इंटरेस्ट है आपका, जो लाइक्स है, डिसलाइक्स है, आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस को आप मतलब एक्सप्लोर करना चाहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर,
तो फेसबुक है उसको तभी पता चलेगा जब आप उसको एक्सेस देंगे, जब आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं और उसको ट्रैक किया जाता है उसी के बेस पर। ये जो सोशल मीडिया के फेसबुक या इंस्टाग्राम के जो अल्गोरिथम्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली समझने लगते हैं कि आपको एग्जैक्टली क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, किस चीज में आपका ज्यादा इंटरेस्ट है, आप किस चीज के लिए पैशनेट है, आपके डेली हैबिट्स क्या है, आपका जो बिहेवियर क्या है। ये सारी चीजें तभी पता लगती है जब आप उनको अलाउ करें आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए। अगर आप उसको अलाउ नहीं करते तो हो सकता है कि आपका जो थोड़ा कस्टमाइज एक्सपीरियंस है वो थोड़ा बिगड़ जाए, क्योंकि फेसबुक जो है वो आपको इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कंटेंट आपको दिखाता है, रेकमेंड करता है, और आपके होम फीड के ऊपर जो भी आप स्पॉन्सर्ड एड्स देखते हैं वो उसी के बेस पे होता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आप इस चीज को ऑफ करते हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट को लेकर या फिर कंटेंट रिकमेंडेशन को लेकर आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस है वो खराब हो जाए कंपेयर टू बिफोर। तो देखिए ये चीज तो पॉसिबल नहीं है कि दोनों तरफ से आप ही लड़े, क्योंकि आपको अच्छा एक्सपीरियंस भी चाहिए और आपको आप प्राइवेसी के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो ये नहीं हो सकता। या तो आपको प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अच्छे एक्सपीरियंस के लिए, या फिर अच्छे एक्सपीरियंस को भूल जाइए और प्राइवेसी के ऊपर फोकस कीजिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी चॉइस है, आपका फैसला है कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, क्या आपको प्राइवेसी से ज्यादा प्यार है या फिर अच्छे एक्सपीरियंस से ज्यादा प्यार है। तो ये कंप्लीटली मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप पूरा स्टडी कर लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए। और मैं एक चीज यहाँ पर रेकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऑन कर दीजिए। तो बिजनेस अकाउंट में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं अगर आप इसको ऑन रखे तो, लेकिन अगर आपका प्राइवेट अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, तो अगर आप चाहे तो इसे ऑफ रख सकते हैं। तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने यहाँ पर अपना एपिसोड यहाँ पर खत्म कर दिया है दोस्तों। मेरा काम था आपको दिखाना समझाना, वो मैंने कर दिया है। सिर्फ ये एक बटन का सवाल है, आप इसे ऑन कर सकते हैं या फिर ऑफ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आपके फैसले के ऊपर डिपेंड है दोस्तों। और दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी काम जो आपको करना है अपनी लाइफ में वो ये है कि आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना है दोस्तों। जल्दी से सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। और ऑलरेडी जो मैंने वीडियोस को पब्लिश कर दिया है आप जल्दी से वो भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे टूल्स है, फीचर्स है सोशल मीडिया के, जो कि आपको बिजनेस में आपको बहुत ही यूजफुल होंगे मार्केटिंग पर्पस के लिए। तो उसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वो भी देख लीजिए। तो बस मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।